हो रही है, जिसमें मेरी खुद की बेटी काम की है, जिसने मुझे, जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मुझे बहुत बड़ा योगदान मिला उसका, वो मेरे लिए बहुत लकी है। तो प्लीज़ आप उसको जिस तरह के सारी को प्यार देते हैं उसी तरह उसको भी प्यार दीजिए कल जाके सिनेमा घर में, और ढेर सारा दुलार दीजिए मेरी बेटी को। तो दबंग सरकार है, बहुत जल्दी आप सबके बीच में, क्योंकि आज मेरा डबिंग ख़त्म होने वाला है, तो आएगी आप सबके, और ढेर सारा प्यार दीजिए दबंग सरकार को, और ढेर सारा प्यार। तो वैसे कल आपने एक शो किया देवघर में जहाँ लाखों लोग आए थे, तो किस तरह का प्यार मिला है कुछ बताएंगे? बहुत ज़्यादा प्यार मिला वहाँ। प्यार तो इतना मिला जो कहिए ना, हम तो स्टेज तक गईबे नहीं किए प्यार के मामला में। समस्या ये था कि देवघर में जो शो था वहाँ लाखों पब्लिक नहीं थी, कम से कम 2.5 से 3 लाख पब्लिक थी। तो वहाँ पे चैनल का शो था, बी गंगा का शो था, तो हम गए थे उसी के लिए। लेकिन वो वहाँ पे हुआ क्या, जे हमारी एंट्री लेट में हुई, हमारा और मनोज भैया का एंट्री लेट, एक्चुअली हम दोनों, हम और मनोज भैया थी मेकअप रूम में थे, बैठे थे, तब तक इधर हंगामा, खेसारी खेसारी सब चिल्लाना शुरू किया और कुर्सी टूटना शुरू हुई। तो मुझे फिर अभी भी आने और पंकज तिवारी जी ने बोला कि प्लीज़ आप जाके शांत करिए। तो मैं माइक लेकर सबको शांत तो किया, लेकिन फिर भी चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी थी, वो चीज़ शांति नहीं हुई। वो लोग बोले कि काम करिए, जब ये शांत हो गए हैं तो फिर हम टोली लगाते हैं, शूट करना है हमें चैनल के लिए। तब फिर टोली लगना शुरू हुआ, तब तक हम जैसे पीछे गए तब तक बवाल बढ़ गया। फिर पंकज जी ने और अभी भैया ने बोला कि आप लोग होटल जाइए, तो हम लोग होटल चले आए। उसके बाद फिर वहाँ प्रशासन बोला कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्थितियाँ बहुत बिगड़ चुकी थी, तो फिर हम नहीं कर पाए सो। और उसके लिए बहुत सारा बवाल के खेसारी ने अश्लील गाना गा दिया, तो उसके लिए मैं देवघर की गरिमा को समझ सकता हूँ। देवघर की, जहाँ जिस धरती ने मुझे जन्म दिया, जिस धरती ने मुझे इतना सम्मान दिया, वहीं से मैं बहुत बड़ा, मेरी कैसे ठीक हुई और मैं उस धरती को, गरिमा को कैसे गलत कर सकता हूँ। तो मैं स्टेज तक गया सिर्फ समझाने के लिए, उसके बावजूद भी